हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। कैसे हैं आप सब? आशा है आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे न्यू ब्लॉग में। तो दोस्तों, हो चुकी है प्यारी प्यारी सुबह की शुरुआत। आज है 17 अप्रैल, दिन है बुधवार का और सुबह का समय हो रहा है, तो काफ़ी टाइम हो चुका है। सूरज भी निकल आए हैं और यहाँ पर थोड़ी सी हल्की सी धूप भी आ चुकी है। आज थोड़ी सी देरी में आए हैं यहाँ पर छत पर, क्योंकि घर के सारे काम हो चुके हैं, थोड़े बहुत अभी काम बाकी हैं। तो मैंने कहा चलो नहाने से पहले यहाँ की भी साफ़ सफाई कर लेते हैं, उसके बाद में ही नहाएंगे। और कल मैंने शाम को मैक्सी पहनी थी तो वही हम पहने हुए हैं, तो अभी नहाएंगे तब हम साड़ी पहन लेंगे, क्योंकि अभी तक जो है ना कि बिल्कुल अंधेरे ही हम बाहर गए थे। बाहर जाने में थोड़ी सी झिझक लगती है कि बाहर ना निकले ऐसे कपड़े पहनकर, और कभी हम लोग जाते भी नहीं हैं। सूट जब भी पहनते हैं तो कभी कभी अंधेरे उजेले चले जाते हैं, ज़्यादातर तो अंधेरे में ही जाते हैं बाहर, नहीं तो हम लोग नहीं जाते हैं ज़्यादा। जब भी सूट पहनते हैं तो हम बाहर बिल्कुल भी नहीं जाते हैं, मन ही नहीं होता है बाहर जाने का। और एक हमारे दोस्त ने कमेंट भी किया था कि आप सूट क्यों नहीं पहनती हो, तो वैसे तो हम सूट पहनते हैं लेकिन बाहर भीतर के काम लगे रहते हैं तो इसी वजह से नहीं पहनते हैं। और गांव में आप सभी जानते हैं कि सूट बहुत ही कम सभी लोग पहनते हैं, जो हमारे गांव की औरतें होती हैं, बहुएं होती हैं, वो बहुत ही कम सूट पहनती हैं, साड़ियाँ ज़्यादा पहनती हैं। तो साड़ी जब सभी लोग पहने होते हैं तो साड़ी ही अच्छी लगती है, तो हमें भी साड़ी सूट से ज़्यादा अच्छी साड़ी लगती है और काम भी अच्छे से साड़ी में हो जाते हैं। और जब हम सूट पहन लेते हैं तो थोड़ी सी दिक्कत ये भी हो जाती है कि काम नहीं उससे करते हुए बनते हैं। और इधर मैंने नहा लिया है, जो भी काम थे वो मैंने सारे काम ख़त्म कर लिए हैं साफ़ सफाई के, और चाय नाश्ता भी हो चुका है। और आज हम बनाएंगे दाल चावल और रोटियां सेकेंगे, तो पहले मैंने कहा दाल बनने के लिए रख देते हैं और उसके बाद में जो भी काम है वो बाद में करेंगे। और यहाँ पर हम शायद किसी से बातें भी करते हुए जा रहे थे। और पूजा मैंने कर दी है, क्योंकि पूजा सबसे पहले करते हैं, नहाने के बाद में तुरंत ही मैंने पूजा कर दी है। और अभी जो है ना कि कुछ खाया नहीं है, बस चाय मैंने पी है, अब खाना बन जाएगा तब कुछ हम खाएंगे। और आज हम छत पर भी नहीं गए हैं खाना बनाने के लिए, क्योंकि कल व्रत रखा था तो इसकी वजह से थोड़ी सी थकान लग रही है, तो मैंने कहा चलो यहीं पर खाना बना लेते हैं। और दाल ही चावल बनाने हैं तो जल्दी से दाल चावल गैस पर बन भी जाएंगे। कुकर में दाल चावल बना लेंगे, उसके बाद में थोड़ी सी रोटियां सेंक लेंगे। और इन दिनों में कुछ ऐसा मौसम है कि चावल ज़्यादा अच्छे लगते हैं, रोटियां कम अच्छी लगती हैं, तो आज चावल जब बनाए थे तो सभी ने चावल ही ज़्यादा खाए थे, रोटियाँ बहुत ही कम सभी को पसंद आती हैं, और ख़ासकर आरोही के पापा को, उनको तो बिल्कुल भी रोटियाँ पसंद नहीं आती हैं, चावल ही उनको ज़्यादा पसंद आते हैं। और वैसे वो है ना कि ठंड के दिनों में बुआ नहीं चावल खाती हैं, आरोही के पापा भी बहुत कम चावल खाते हैं, लेकिन इन दिनों में चावल बहुत ज़्यादा ये लोग खाते हैं, और हमें तो हर समय चावल पसंद है, चाहे ठंडी हो या फिर गर्मी हो। तो यहाँ पर दाल हमारी बन चुकी है और अभी चावल बनाने बाकी हैं, तो उससे पहले मैंने कहा दाल में छौंका लगा देते हैं। तो अभी यहाँ पर हम प्याज कट कर रहे थे, और टमाटर को नहीं है और ना ही धनिया है, कुछ भी और चीज़ें नहीं है, बस प्याज ही डालेंगे। और यहाँ पर बस दाल में छौंका लगा देंगे, उसके बाद में भी चावल रख देंगे बनने के लिए, क्योंकि चावल मैंने बीन कर रख लिए हैं, बस अब बनाने बाकी हैं। तो यहाँ पर मैंने दाल में लगा दिया है छौंका, और एक मैंने लाल मिर्च डाली है, थोड़ी सी मिर्च मैंने लाल वाली डाल भी दी थी जब मैंने दाल बनने के लिए रखी थी, तो इसी वजह से एक ही मिर्च मैंने डाली है, क्योंकि आरोही को मिर्च ना लगे। और वैसे वो है ना कि मिर्च वाली ये दाल हो या सब्जी हो, कुछ भी मिर्च वाली नहीं खा पाती है। तो आज रामनवमी है, तो इसी वजह से आज आरोही की छुट्टी है, और आप सभी को रामनवमी की हार्दिक शुभकामनाएं। तो यहाँ पर आरोही आज आई हैं कन्या खाकर, क्योंकि सभी ने जो लोगों ने न्योता किया है वो लोग आज ही न्योता कर रहे हैं, और मैंने तो आज न्योता नहीं कर पाया है, कन्या भोज नहीं कर पाया है, लेकिन हम आगे चल के करेंगे, 2-4 दिन में कर देंगे। तो अभी काम की वजह से मैंने यहाँ पर से जो है ना कि कन्या भोज का बिल्कुल हटा ही दिया है कि अभी इतनी जल्दी में नहीं करेंगे, वैसे कर तो देंगे, हम अकेले ही सभी तैयारियाँ कर लेंगे,
लेकिन मैंने कहा थोड़े बहुत जो भी काम है ये गेहूं के वो हो जाए, उसके बाद में फिर आराम से करेंगे। तो आरोही के पापा भी बोल रहे थे कि बाद में ही करना। और यहाँ पर आरोही को जो गेहूँ मिले थे उसके ये टाफी खरीद कर लाई हैं, तो 5 रुपए के गेहूँ हो गए थे, तो 5 रुपए की पूरी टाफी खरीद कर लाई हैं। तो यहाँ पर मैंने आरोही से कहा कि आधी टाफी हमें दे दो, हम और बुआ लेंगे, और आधी तुम खाओ जाके, क्योंकि इनको सर्दी भी फिर बहुत जल्दी से हो जाती है। तो आधी टाफी मैंने रख ली है। और इधर हमारी नंदत जी ने भैंस को पानी पिला दिया है, और तब तक बुआ और आरोही के पापा भी आ गए थे, तो यहाँ पर बुआ भी तब तक आ चुकी हैं। वैसे तो हम और हमारी नंदत जी गोबर पाथने के लिए आए थे कि हम लोग गोबर पाथ लेंगे, फिर बुआ भी आ गई हैं, तो बुआ ने और बाकी के काम कर लिए थे। यहाँ पर जो कंडे पड़े थे वो भी हटाने थे, और भी बहुत सारे काम बगिया में हो जाते हैं। कंडे एक जगह पर इकट्ठे करने में बुआ लग गई हैं, जो गीले कंडे हैं वो यहीं पर ऐसे करके रख देंगी, इनको हटाकर दूसरी जगह पर, तो अच्छे से कंडे हमारे सूख जाएंगे। और इधर तब तक हम और हमारी नंदत जी गोबर पाथ देंगे। हम जो है ना कि लूड़े बना रहे हैं, और हमारी नंदत जी अच्छे से उपले बना रही हैं, क्योंकि इनसे उपले बहुत ही अच्छे से बन जाते हैं, और एक हाथ के उपले हों तो ज़्यादा अच्छा रहता है। जो हम बटिया लगाते हैं उसमें एक ही साइज के उपले हों तो अच्छे से हमारा बटिया भी बन जाता है। और यहाँ पर आरोही भी आई थी आज गोबर पाथने के लिए, लेकिन हम लोगों ने मना कर दिया है। वैसे जब भी गोबर पाथने के लिए आते हैं तो ज़रूर ही ये आ जाती है गोबर पाथने के लिए, तो यहाँ पर आज आरोही के पापा थे तो इसी वजह से ये मान गई थी, नहीं तो ये मानती नहीं है बिल्कुल भी। और इधर उसके बाद में हम धुलने लगे हैं कपड़े, क्योंकि नहा तो सुबह ही चुके थे, तो मैंने कहा चलो कपड़े भी धुल देते हैं। कल के भी कपड़े पड़े थे और आज सुबह के भी कपड़े थे, सारे कपड़े हमारे ही हैं। और अभी आरोही जो नहाई थी वो कपड़े मैंने पहले से ही थोड़े बहुत धुल कर डाल दिए थे, और अभी आरोही के पापा के तो कपड़े मैंने धुले ही नहीं हैं, क्योंकि ये अभी नहा रहे हैं, बस यहाँ पर आ गए थे और हम अभी घर नहीं गए थे, कपड़े हम साथ में ही लेकर आए थे, तो मैंने कहा चलो कपड़े भी धुल कर डाल देते हैं, उसके बाद में ही घर पर चलते हैं, और अच्छे से पीछे वाले घर में फैला भी देंगे। और तब तक आरोही के पापा भी नहा चुके हैं और हमारे भी कपड़े धुल चुके हैं, तो बस यहाँ पर कपड़े फैला देंगे। और इन दिनों में इतनी तेज़ हवा चलती है कि सुबह से ही इतनी तेज़ हवा चलती है कि आप सभी को क्या ही बताएं, और हमें तो लग रहा है कि हर जगह पर ऐसी ही हवा चल रही है कि कपड़े पड़े तो कुछ रुकते ही नहीं है, पूरा दिन निकल जाता है, शाम को हवा बंद होती है, वैसे पूरा दिन हवा इसी तरीके से चलती रहती है। तो आज अभी तो हम यहाँ पर कपड़े इस तरीके से फैला दिए थे, अच्छे से चिमटी भी लगा दी थी, लेकिन उसके बाद में जो कपड़े हमारे ऐसी हालत हुई थी कपड़ों की, कुछ कपड़े हमारे नीचे गिर गए थे जो छोटे छोटे कपड़े थे, फिर वो वाले कपड़े मैंने दोबारा से धुले थे, तो यहाँ पर बस अब कपड़े फैल चुके हैं, छोटे छोटे इधर साइड में मैंने फैला दिए हैं और बड़े बड़े कपड़े वहाँ पर फैला दिए हैं, और जब तक और कोई कपड़े धुलेगा तब तक हमारे कपड़े सारे अच्छे से सूख जाएंगे। और इधर भी कुछ कपड़े मैंने फैलाए हैं, और हवा बहुत तेज़ चलती है, सुबह से ही हवा बहुत तेज़ चलती है, और एक बार बारिश हो जाए तो इतनी तेज़ हवा ना चले तो किसी दिन बारिश होने ही वाली है, क्योंकि सभी लोग आज कल करते हैं कि आज होगी बारिश या कल होगी, और अभी तक क्लियर नहीं पता है लेकिन बारिश होने वाली है, लेकिन अभी इतनी ना हो, क्योंकि जब तक हमारे गेहूं घर पर ना आ जाए तब तक ना हो बारिश, नहीं तो फिर थोड़ी सी ज़्यादा ही दिक्कत हो जाएगी। अभी सभी की फसल खेतों पर पड़ी है, और यहाँ पर फैला दिए हैं कपड़े, और उसके बाद में घर पर आ गए हैं, यहाँ पर आरोही के लिए और आरोही के पापा के लिए खाना लगा दिया है। तो रोटियां हमारी थोड़ी बहुत सेक चुकी हैं, थोड़ी बहुत अभी सेकनी बाकी हैं, तो वो बाकी की रोटियां भी सेक लेते हैं। और आरोही साथ में तो खाना अच्छे से खा लेती है, और अगर अकेले जब खाना खाती है तो ये बहुत ही इसको मुश्किल हो जाता है खाना खिलाना, या फिर हमारे साथ में खाए या फिर अपने पापा के साथ में खाए, तो बहुत ही अच्छे से खाना खा लेती है। तो आज अपने पापा के ही साथ में इसने खाना खा लिया था, और आरोही जो जलेबी लाई थी वो भी हम लोगों ने फिर खाई थी, जलेबियाँ बहुत ही अच्छी मिली थी जहाँ आरोही न्योता खाने के लिए गई थी। और यहाँ पर आधी करके रोटियाँ हमने आधी आधी करके सेंकी हैं, क्योंकि खड़े खड़े रोटी सेंकना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, तो आधी रोटी मैंने अभी सेंक ली थी, आधी रोटी जब पापा आए थे तब मैंने सेंकी थी, तो मैंने कहा बाद में आधी रोटियाँ सेंक लेंगे। और आज थोड़ी सी रसोई की साफ़ सफाई भी करनी है, तो हम लोग आज साफ़ सफाई भी थोड़ी सी रसोई की करेंगे,
तो ज़्यादा तो हमारी नंदत जी ने ही साफ़ सफाई की थी, बस थोड़ी सी मैंने हेल्प करा दी थी, क्योंकि हमारा जो है ना कि आज बिल्कुल भी मन नहीं था कुछ भी काम करने का। जब व्रत रखो उसके बाद में दूसरे दिन बहुत ज़्यादा कमजोरी जैसी लगती है, तो आज इसी वजह से मैंने कहा कि कुछ हल्का खाना बनाएंगे, दाल चावल बनाएंगे। और इधर हम और हमारे नंदत जी बैठ गए हैं चौकी पर साफ़ सफाई करने के लिए। तो रसोई की साफ़ सफाई पूरी हो चुकी है, बस थोड़े से जो भी डिब्बे डिब्बियाँ थी वही हमारी नंदत जी धुल रही हैं, और तब तक मैंने कहा जो भी बर्तन पड़े हैं वो हम धुल लेते हैं, क्योंकि बर्तन वर्तन पड़े रहते हैं फिर बहुत ज़्यादा मक्खी अक्खी आ जाती हैं, तो जितनी जल्दी हो सकता है उतनी जल्दी हम बर्तन साफ़ कर देते हैं और यहाँ की अच्छे से साफ़ सफाई कर देते हैं, उसके बाद में ही आराम करते हैं। अगर पहले से आराम करने के लिए बैठ जाओ फिर बिल्कुल भी मन नहीं होता है उठने का, फिर यही लगता है कि पूरा दिन अब लेटे रहो, और काम करने में लग जाओ फिर ये लगता है कि पूरे जो भी हमारे काम है वो करके उसके बाद में ही लेटें आराम करें। तो यहाँ पर बस बर्तन धुल लेते हैं, आज तो बर्तन सारे हल्के हल्के वाले हैं, और यहाँ पर मैंने आरोही से बोला था कि थोड़ा सा पानी भर के बेटा यहाँ पर बाल्टी में रख दो आके, तो छोटी वाली बाल्टी मैंने दी थी कि उसी से पानी भर के यहाँ पर बाल्टी में डाल दो, लेकिन आरोही के तब तक लग गई है चोट, क्योंकि बाहर वाला जो नल है वो हत्ता उसका थोड़ा सा अलग कुछ हिसाब का है, तो उसी से इनके चोट लग गई है। यहाँ पर आरोही हमारी रो रही थी, इसके चोट लग गई थी, तो मैंने कहा अब मत भरना पानी, तो यहाँ पर आरोही मुंडी हिला रही थी कि अब नहीं भरेंगे। तो वैसे बोला तो हम ही नहीं था, लेकिन ये कुछ शैतानियाँ करके काम करती है, तो मैंने कहा थोड़े बहुत इसी से काम करवा लेते हैं, पानी की दिक्कत होती है तो पानी मैंने कहा इसी से भरवा लेते हैं तो भर देगी, वैसे काम तो कर देती है लेकिन कभी कभी ये शैतानियाँ करके काम करती है, तो इसके चोट वोट लग ही जाती है। और इधर सारे मैंने बर्तन धुल लिए हैं, अब सारे बर्तन सेट करके रख देते हैं, और रसोई की बहुत ही अच्छे से आज हम लोगों ने साफ़ सफाई की है, ज़्यादा हमारी नंदत जी ने की है, क्योंकि वही पहले से ही लग गई थी कि आज साफ़ सफाई करेंगे। और इधर आप सभी को दिखाते हैं यहाँ की नीचे की अच्छे से साफ़ सफाई मैंने अभी की है, और जो यहाँ पर बोरा पड़ा था वो मैंने बाहर आज निकाल दिया है, अब आज पूरा दिन नहीं फैलाएंगे यहाँ पर, उसको अभी धुलना है तो धुल देंगे तब हम फैलाएंगे। और इधर अच्छे से जो भी डिब्बा डिबिया रखे थे मसाले वाले डिब्बे थे वो सारे अच्छे से धुल दिए हैं और अच्छे से सेट करके और इधर पूरे घर की अच्छे से साफ सफाई कर दी है, क्योंकि झाड़ू लगाना होता है इतने टाइम, तो पूरे में अच्छे से झाड़ू लगा दी है। और इधर आज का मौसम आप सभी को दिखाते हैं, ये है लगभग मौसम होगा 12 बजे का, तो इतनी तेज़ धूप है और इतनी तेज़ हवा चल रही है कि यहाँ पर जो छप्पर है वो तो कूड़ा रोज़ ही यहाँ पर इकट्ठा हो जाता है। और इधर आए हैं पीछे वाले घर में तो हमारे कपड़े देखो उड़े हुए पड़े हैं, और जो नीचे गिर गए थे कपड़े वो हम लेकर गए हैं घर पर, वो अभी मैंने घर पर ही अच्छे से धुलकर टांग दिए हैं। और यहाँ पर आरोही शैतानियाँ करने में लगी हैं, तो यहाँ पर आरोही को मैंने मना किया, उसके बाद में मैंने कहा घर पर चलो सीधा, यहाँ पर नहीं रुकना है, बहुत तेज़ जब लू लपट चलती है तो बच्चे बहुत जल्दी से परेशान हो जाते हैं। और इधर आरोही अंदर से लेकर आई है मिठाई, जो कि बुआ की जो भी चीज़ें रखी होती हैं धरी सहती, तो वो सारी चीज़ें आरोही ढूंढ लेती है, खाने पीने वाली चीज़ें, और खा लेती है, तो यहाँ पर मिठाई लेकर आई है तो खा रही है, ये बहुत ज़्यादा मीठी चीज़ें बहुत ज़्यादा पसंद करती है, और बतासे हो मिठाई हो ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा पसंद करती है। और इधर यहाँ पर बच्चे खेल रहे हैं, ये थोड़ा सा देरी का ये क्लिप है जो कि लगभग शाम के 3 या 3:30 बजे का, तो यहाँ पर आरब खेल रहे हैं, दउआ जी बैठे हैं और दीदी के बच्चे हैं, आरोही हैं, ये सभी लोग यहाँ पर मिलकर खेल रहे हैं। और आप सभी दोस्तों को तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद, आप सभी बहुत प्यारे प्यारे कमेंट करते हो, हमें बहुत अच्छा लगता है। इसी तरह आप सब हमारे चैनल से जुड़े रहिएगा, अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखना। जो दोस्त हमारे चैनल पर न्यू आते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लिया करें। और यहाँ पर फिर मैंने कहा थोड़ी सी जो भी साफ़ सफाई है वो कर देते हैं, अभी हवा तो तेज़ चल रही है लेकिन फिर भी मैंने कहा झाड़ू लगा देते हैं, और अंदर से मैंने झाड़ू लगा दी है, बहुत सारी धूल मिट्टी यहाँ पर इकट्ठी हो गई है तो वही उड़ रही है, और बड़ी अम्मा भी उधर साइड में अपने घर आंगन में झाड़ू लगा रही हैं। और एक हमारी दीदी जी ने कमेंट किया था कि आप हमें ये बताओ दीदी कि YouTube से पैसे कम मिलते हैं
और कब चैनल मोनिटाइज होता है, तो जी दीदी ज़रूर बताएंगे। तो हमारा चैनल जब 1000 सब्सक्राइबर हो जाते हैं और 4000 घंटा वॉच टाइम होता है तब हमारा चैनल मोनिटाइज होता है, और उसके बाद में कई प्रोसेस और पूरे करने होते हैं तब जाके हमारा पेमेंट आना शुरू हो जाता है। और वैसे तो जब मोनिटाइज चैनल हो जाता है उसके बाद से तुरंत से ही पैसे आने शुरू हो जाते हैं, और पैसे आते हैं 2-4 और प्रोसेस करने होते हैं फिर पैसे भी आ जाते हैं। और अगर हम लगातार मेहनत करते रहेंगे तो हमारी मेहनत ज़रूर सफल होगी, और जो लोग YouTube पर आते हैं मेहनत नहीं करते हैं वो लोग नहीं सफल हो पाते हैं। हमें लगातार मेहनत करनी होती है, रात दिन एक करना होता है तब जाके हम YouTube से पैसे कमा पाते हैं। और यहाँ पर बस मैंने पूरे में अच्छे से झाड़ू लगा दी है, और अब जो है ना कि घर के थोड़े बहुत जो भी काम शाम के हैं वो बाकी हैं। तो वैसे तो हमारे यहाँ आज बैंगन की सब्ज़ी बन रही है, तो आरोही के पापा को जो बैंगन की सब्ज़ी आलू के साथ में बनती है वो नहीं पसंद आती है, तो वो बोल गए थे कि एक बैंगन बचा लेना उसका हमारे लिए भरता बना देना। तो उनके लिए मैंने कहा चलो बैंगन एक भून देते हैं और 2 आलू हम अपने लिए भी भूनेंगे, आलू की सब्ज़ी तो नहीं बनाएंगे, आलू का भरता ही बनाएंगे, क्योंकि इन दिनों में ये चीज़ें कुछ ज़्यादा ही पसंद आती हैं। कुछ नई चीज़ें खाओ तो अच्छा लगता है, और भले ही रूखी सूखी हो लेकिन अच्छा लगता है खाने में। तो मैंने कहा चलो 2 आलू भून लेंगे और आरोही के पापा के लिए एक बैंगन भून देंगे। तो यहाँ पर आगी हमारी अच्छे से बन चुकी है और बैंगन मैंने डाल दिया है, आलू 2 मैंने बचा लिए थे वो डाल दिए हैं, यहीं से ले लिए हैं, खूब अच्छे से आलू मैंने लिए हैं, गोल गोल से आलू। तो यहाँ पर मैंने अच्छे से आलू और 2 आलू 1 बैंगन मैंने अच्छे से भुनने के लिए डाल दिया है, और आग ऊपर से बढ़ा दी है कि अच्छे से हमारे आलू बैंगन जल्दी से भुन जाएं। और थोड़ा सा ही टाइम लगा था, बैंगन तो जल्दी से भुन गया था लेकिन आलू भुनने में थोड़ा सा टाइम लग गया था। वैसे तो हम 4 आलू लेकर आए थे लेकिन 2 ही भुने थे। और इधर हम घर पर आ चुके हैं तो यहाँ पर ये बैंगन की सब्ज़ी बन रही है। गैस पर ही शाम का खाना ज़्यादा बनता है और सुबह का थोड़ा बहुत खाना हम छत पर बना लेते हैं। और यहाँ पर बैंगन भी हमारा भुन चुका है और बहुत ही अच्छे से बैंगन भुना है। तो बैंगन को मैंने अच्छे से धुल लिया है, उसके बाद में अब जो भी ऊपर का छिक्कल है वो निकाल देते हैं और इसको हम तवे पर कौर लेंगे। और जो आलू मैंने भुने हैं वो भी हम तवे पर ही कौर लेंगे थोड़ा सा सरसों का तेल डालकर। और ये चीज़ें आरोही के पापा को बहुत ज़्यादा पसंद आती हैं। और आज के लिए दोस्तों बस यहीं तक आज का ब्लॉग। हमारा कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना। जो दोस्त हमारे चैनल पर न्यू आते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लिया करें। ब्लॉग पसंद आए तो लाइक करना ना भूलें। कल फिर मिलेंगे एक न्यू ब्लॉग के साथ में, तब तक के लिए आप सभी दोस्तों को नमस्ते।